मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम देखें, जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था तो वो वक्त देखो और ये वक्त देखो, इसमें कितना फर्क आ गया। क्या अवाम को मेरा दौर याद नहीं आता? बुरेवाला में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे दौर में जो बिजली का बिल 500 रुपए आता था वो अब 20,000 रुपए हो गया है। हमारे दौर में सब्जियां 10-10 रुपए किलो और रोटी 4 रुपए की थी मिलती थी। उन्होंने कहा कि क्या आवाम को नवाज शरीफ का दौर याद नहीं आता, जब हमारे दौर में लोड शेडिंग खत्म कर दी गई थी और गैस सस्ती थी। क्या आप नहीं चाहते कि वो दौर वापस आ जाए? वो वक्त याद आता है मुझे, जब रोटी 4 रुपए में मिलती थी, आज 20 रुपए में मिलती है। उस वक्त बिजली का बिल 500 रुपए का आता था और आज 20,000 रुपए आता है। ये वो तब्दीली जो पाकिस्तान में लाई गई थी। सरबराह नून लीग ने कहा कि मेरे दौर में खाद का रेट 2,400 रुपए का था, आज वो रेट 14,000 पर है, और वो भी अगर मिल जाए। मेरे दौर में जो ट्रैक्टर 9 लाख रुपए मालियत का था, आज कोई ट्रैक्टर 38 लाख रुपए में मिलता है। ये बहुत अफसोसनाक बात है पाकिस्तान को, उन्होंने कहा कि कहाँ पहुँचा दिया है। ये है वो तब्दीली जो इस कौम पर मुसलत की गई। उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद से पाकिस्तान को महंगाई से निजात दिलाएंगे। ये पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है, ना बिजली है ना गैस है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी महंगा है, दालें महंगी हैं, सब्जियां महंगी हैं। इस तब्दीली की वजह से आज रोटी 4 रुपए की बजाय 20 रुपए की हो गई।